तो 50 वर्ष के पहले तक धुंधली ने कहा भी नहीं कि संतान चाहिए या नहीं चाहिए, हो या ना हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब 50 वर्ष की उम्र बीत गई, उसके बाद कहती है मुझे संतान चाहिए, बेटा हो या बेटी, पुत्र हो या पुत्री, लड़का हो या लड़की, मुझे तो संतान चाहिए, ऐसे सोचती थी। आत्मदेव से कहा, अपने पति से, आत्मदेव ज्ञानी थे, समझाने की कोशिश की कि अरे धुंधली, हमारी अब आधी उम्र निकल गई है और अब ये उम्र संतान को जन्म देने की थोड़ी है, अब ये उम्र तो भगवान नाम गाने की है, नाम संकीर्तन करने की है, कीर्तन करने की है, भगवान का भजन करने की है, इसलिए इस संतान रूपी झूठे मोह को तुम त्याग दो, छोड़ो। पर धुंधली तो धुंधली, मैंने अभी बताया, धुंधली मतलब जिसके दो स्वभाव हो, जिद करके बैठ गई, नहीं नहीं मुझे तो संतान चाहिए, बेटा हो या बेटी, पुत्र हो या पुत्री, लड़का हो या लड़की, मुझे तो संतान चाहिए, जिद करती है, हट करके बैठी है। आत्मदेव ने खूब समझाया, सुनने नहीं तैयार, मानने नहीं तैयार, बस संतान चाहिए संतान चाहिए कहती रहती है। आत्मदेव यदि समझाने की कोशिश करते हैं तो उत्तर देती है, धिग्जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम चौ प्रजाम बिना धिग्धनम चानपत्यस्यो धिग्कुलम संततिम बिना। क्या कहती है, धिग्जीवतम प्रजाहीनम, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में संतान नहीं है। धिग्रहम चो प्रजाम बिना, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में संतान नहीं, जिस घर में कोई खेलने कूदने वाला नहीं है, रोने गाने वाला नहीं है, जिद करने वाला नहीं है, उपद्रव करने वाला नहीं है, जो घर मरघट के जैसा है, ऐसे घर को धिक्कार है। धिग्रहम चो प्रजाम बिना, धिग्धनम चानपत्यस्यो, ऐसे धन को धिक्कार है जो तिजोरी में रखा रखा सड़ रहा है, जिसे कोई खर्च करने वाला नहीं है, जिसका कोई उपयोग करने वाला नहीं है। और धिक कुलम संततिम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान नहीं है, ऐसे अपने पति से कहती थी। आत्मदेव खूब समझाते, वो सुनने तैयार नहीं होती थी, बस जिद करके बैठी कि मुझे तो संतान चाहिए, पुत्र हो या पुत्री, बेटा हो या बेटी, मुझे तो संतान चाहिए। परेशान कर दिया उसने आत्मदेव को, सोते जागते उठते खाते पीते नहाते आते जाते घूमते भजन करते भोजन करते हर समय बस यही कहती थी, संतान चाहिए, बेटा हो बेटी हो संतान चाहिए। बहुत बार आत्मदेव समझाते पर समझने के लिए वो तैयार नहीं है। अंत में आत्मदेव ने सोचा कि ये तो मानेगी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अपने जीवन से त्रस्त हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, सोचते हैं घर छोड़ दूंगा, फिर मन कहता है घर छोड़ने से क्या होगा, दुनिया छोड़ दूंगा। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार है, एक नदी के किनारे जाकर के बैठे, नदी देख करके प्यास लगी, शीतल ठंडे ठंडे जल को पी करके प्यास बुझाई,
और नदी के किनारे बैठ के जोर जोर से आत्मदेव रोने लगे। उसी समय वहां पर एक संत का आगमन हुआ, एक संत जी आए। और जब संत आए तो संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत कौन? कहा जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए और उस दुख को दूर करने के प्रयास में लग जाए, वही है संत। तो संत जी ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा, बात पूछी, जानकारी ली, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है। आत्मदेव ने पूरी कहानी सुनाई कि 50 वर्ष जीवन के बीत गए, अब पत्नी कहती है संतान चाहिए, और यदि उसे समझाने की कोशिश करो तो अनेक प्रकार की बातें सुनाती है, धिक्कार देती है मुझे, मेरे घर को, मेरे कुल को, मेरे धन को, सबको धिक्कार देती है। संत जी मुस्कुराए और आत्मदेव को समझाने का प्रयत्न करते हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्यो त्यज संसार वासिना। अरे आत्मदेव, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, कर्म की गति बड़ी बलवान है, इसलिए इस संतान रूपी झूठे मोह को छोड़ो। क्या तुम जानते नहीं हो आजकल की संतान भी कैसी है? कैसी है? कहा माता पिता का कहना नहीं सुनती। माता पिता वृद्ध होते हैं तो अनाथ आश्रम में छोड़ आती है, वृद्धाश्रम में छोड़ आती है, या घर पे ही है तो एक कमरे में बंद करके रखती है, ऐसी संतान। और ये जानते हुए भी तुम ऐसी संतान चाहते हो?